सुबह के सूरज की सुनहरी किरणों ने जैसे ही हॉस्पिटल की खिड़की से गुजरते हुए शिवानी के चेहरे को छुआ, शिवानी ने अपनी आंखें खोली। ओह, ये क्या? मेरे पूरे शरीर में इतना दर्द, और ये कमरा, कहाँ हूँ मैं? ये सोचते हुए शिवानी ने इधर उधर देखा और तभी सामने से आती हुई सिस्टर से पूछ लिया। सिस्टर ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, गुड मॉर्निंग, आप चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था। आपको पता है, आपकी कार पूरे 30 फीट गहरी खाई में जाकर गिरी थी। न जाने किसकी दुआओं का असर है कि आप एक पेड़ से टकरा कर पत्थर के पास ही जाकर गिर गई थी, नहीं तो 30 फीट नीचे गिरकर तो बचना नामुमकिन था। आपके हाथ में फ्रैक्चर है और बॉडी में इंटरनल इंजरीज है। आप बाल बाल बच गए। आपको यहाँ आए हुए आज पूरे 8 दिन हो गए हैं। थैंक गॉड, आज आपने आंखें खोली, अब आप खतरे से बाहर हैं। ओह माय गॉड, हाँ, इतना तो याद है कि गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया था, आगे का टायर पंचर हो गया था। सिस्टर, ड्राइवर का क्या हुआ? वो तो ठीक है ना? वो काफी सीरियस है, उन्हें दिल्ली रिफर कर दिया गया था। आप इतना स्ट्रेस ना लें, 1 वीक बाद आप घर जा सकती हैं, वहां आराम करिएगा, आपको यहां से छुट्टी दे दी जाएगी। ओ काका, आप पास में खड़े काका को देखकर शिवानी बोली, बस अब तुम यहाँ से जल्दी घर आ जाओ और भरपूर आराम करो। जी काका। और हाँ बिटिया, तुम्हारे जाने के बाद राहिल का फोन आया था, तुम्हारी खैरियत पूछ रहा था, उससे बात कर लेना, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। जी काका, मेरा फोन घाटी में गिर गया था, पर कोई बात नहीं, मैं बात कर लेती हूँ, अभी आप फोन तो दीजिए हमें। बेटा, घर जाकर नया फोन लेना होगा, तुम्हारा फोन बहुत तलाश किया मगर नहीं मिला, बस तुम ठीक हो जाओ। चाहते हुए भी शिवानी राहिल से बात नहीं कर पा रही थी, वो उदास होकर सोचने लगी, हो सकता है राहिल ने शादी कर ली हो, इतने साल हो गए उसे सेटल हुए, इस बार तो उसे कोई खास बात भी बतानी थी, काश मैं तब उससे मिल लेती, मगर ये बारिश में ना। कोई बात नहीं, अगर उसने शादी कर भी ली होगी तो कोई नहीं, वो भी कब तक इंतजार करता, उसने कितनी बार तो मुझसे पूछने की कोशिश की थी, मैं ही उसको बातों में उलझा देती थी और कभी उसकी बातें अनसुना कर रही थी। कहीं उसका फोन यही बताने के लिए तो नहीं आया था, मुझे उसको कॉल करना चाहिए या नहीं, वो अपनी फैमिली के साथ खुश होगा, कहीं मेरा फोन उसको डिस्टर्ब ना कर दे। अगर ऐसा है तो मुझे कोई हक नहीं है उसे परेशान करने का, वो दोस्त है मेरा, उसकी खुशी में मेरी खुशी होगी। घर पहुंचकर एक बारी से पड़ोसे कॉल जरूर करूंगी, आखिरी बारी से एक कॉल तो बनती है। मैं अपनी बात उसे बता दूंगी और उसके फ्यूचर के लिए उसे बेस्ट विशेस भी दे दूंगी। ये सोचकर शिवानी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली।
और इधर दिल्ली में शिवानी की दोस्त सारा बहुत खुश थी कि शिवानी अब ठीक हो गई है। उसने शिवानी की बेहतरीन शायरी के लिए एक सरप्राइज इवेंट भी तैयार किया था। फिलहाल वो यूरोप ट्रिप पर अपने इवेंट के लिए गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि इतनी लंबी बीमारी के बाद शिवानी को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए, उसे बिजी रखने के लिए वो उसके लिए लगातार बुकिंग ले रही थी। करीब एक हफ्ते बाद शिवानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंची। घर पहुंची तो हैरान रह गई। रात की रानी और सुर्ख गुलाब से सारा घर महक रहा था। उसके बेड के पास साइड टेबल पर नया मोबाइल रखा हुआ था। वो आज करीब 9 महीने बाद अपने कमरे में आई थी। तुम आराम करो बेटा, मैं तुम्हारी फेवरेट कॉफी लेकर आता हूँ, ये कहकर काका किचन की तरफ चले गए। कितना सुकून मिल रहा था शिवानी को अपने कमरे में आके। वो पिछले 9 महीने को एक बुरे सपने की तरह भुला देना चाहती थी। उसे लगा जैसे उसे दूसरा जन्म मिला हो। सच में जिंदगी बहुत छोटी है। अब तो वो अपनी जिंदगी का हर पल जी भर कर जीना चाहती थी। काका कमरे में आ गए कॉफ़ी लेकर। शिवानी ने कहा, काका ये कॉफ़ी यहाँ रख कर ज़रा फ़ोन डायरी तो दीजिएगा, सारे नंबर फीड कर लूँ, ये कहकर शिवानी कॉफ़ी पीने लगी। सारे नंबर फीड करने के बाद सोच विचार करके उसने राहिल को कॉल किया। अरे इस नंबर पर तो कुछ नहीं हो रहा है, ना रिंगटोन ना कोई रिप्लाई। शिवानी परेशान हो गई। क्या हुआ ये नंबर तो सही है ना? हाँ ये नंबर तो सही। उसने फिर से नंबर को चेक किया। फिर ये कॉल ब्लैंक कैसे जा रही है? काका काका राहिल ने क्या कहा था? बिटिया वो कह रहा था कि वो जल्दी दोबारा फोन करेगा। इस बात को करीब 7 महीने हो गए होंगे, उसके बाद से उनका कोई फोन नहीं आया। हमने बता दिया था कि बिटिया 7-8 महीने के बाद आएंगी। कोई बात नहीं, तुम इंतजार करो, वो जरूर फोन करेगा। हाँ काका, अब इंतजार के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है।